गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के शौर्यपुरम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बिल्डर द्वारा बिजली पानी नहीं देने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एडीएम सिटी को पूरी घटना की जानकारी उपलब्ध कराई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने इनके साथ धोखाधड़ी कर फ्लैट बेच दिए हैं और यहां रहने वाले लोगों की घर की लाइट को बार बार काट दिया जाता है। दरअसल बिल्डर द्वारा बिजली विभाग का बिल ना जमा करने के चलते बिजली काट दी गई, जिस वजह से सोसाइटी में रहने वाले करीब 300 परिवार इस घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं। वहीं लाइट कट जाने की वजह से ना तो सोसाइटी में पानी है, ना बच्चों की क्लास चल पा रही है और उमस भरी गर्मी में बिना बिजली के रहने को विवश हो गए हैं। इसी वजह से सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा व्यक्त किया है, साथ ही अपर जिलाधिकारी को पूरे मामले से अवगत भी कराया है और चेतावनी भी दी है, यदि जिला प्रशासन व बिल्डर सोसाइटी के लोगों को अनदेखी करते हैं तो आने वाले समय में सभी लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतर जाएंगे। मीडिया के सामने सभी बच्चे सरकार से भी बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहते हो? मेरा नाम सार्थक है, सार्थक सिंह राठौर, और मैं शौर्यपुरम में रहता हूँ। यहाँ पे इतनी बिजली का चक्कर है कि हम ठीक से रह तक नहीं पा रहे, हम नहा ना पाते हैं। और पता है पानी की, सॉरी, वो बिजली की वजह से पानी तक नहीं आता, तो हम पानी से ही तो हम जीते। पानी हमको पीने के लिए नहीं मिलता, आरो से पानी नहीं आता, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं मिलता, और फिर नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, सब कुछ के लिए पानी नहीं मिलता, कपड़े धोने तक के लिए पानी नहीं मिलता। हम क्या करें? ऐसा ऑनलाइन क्लास है, कल मेरा स्कूल में कंपटीशन है जिसमें ना हमें वीडियो बना के भेजना है, जब मोबाइल ही डिस्चार्ज है हम वीडियो बना के कैसे भेजेंगे? और ये लाइट चली गई है, ये क्या कर रहे हैं सब लोग? एक तो बिल्डर ऐसे कर रहे हैं, बिल्डर अंकल को बोलो जाके कि लाइट फिर से लाएं। मोदी जी और योगी जी को क्या कहना चाहोगे आप? निवेदन है, मुझे ये निवेदन है मोदी जी और योगी जी से कि लाइट जल्दी यहाँ पे लाएं, वरना यहीं पे हम मरते रह जाएंगे। अगर नहीं लाएंगे लाइट तो हम यहाँ पे सोसाइटी छोड़ के भाग जाएंगे। मैडम क्या नाम है आपका और आपके फ्लैट नंबर कितना, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम नेहा है और मैं D70 में रहती हूँ, और सुबह से लाइट नहीं आ रही है, 3 साल से यही चक्कर चल रहा है। आए दिन ये कम ज़्यादा लाइट होती है, कभी पावर कम कभी पावर ज़्यादा। इस चक्कर में हमारे आधा से ज़्यादा तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, वो भी चलो कोई बात नहीं कि कम से कम कुछ तो लाइट आती है, हम मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद ऑफिस चल रहा है, दिन में अचानक से लाइट कट जाती है, ऑफिस से कॉल आ रहा है कि आप ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, क्या इशू आ रहा है, हम वो भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम कोरोना में इकट्ठा हुए हैं, हम मरेंगे या जिएंगे? कोविड कॉल में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्फेक्शन हो गया किसी को तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।